हाय फ्रेंड्स, टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां पे आपको सभी तरह के लीगल, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी, टैक्सेशन, जीएसटी से रिलेटेड अपडेट्स देते हैं, और वो भी डिटेल में। तो आज हम आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कैसे कन्वर्ट करें एक LLP को इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। वीडियो में जाने से पहले, आपको बताने से पहले कन्वर्जन कैसे करा जाए, हम ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि LLP क्या होता है और पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। वैसे हमने इसके बारे में डिटेल वीडियो बना रखा है एक, दोनों के लिए इंडिविजुअली, आप हमारे टेक्सास के YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं। अभी मैं उसको थोड़ा सा बस ब्रीफ में बताऊंगा कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ताकि हमको ओवरव्यू पता चल जाए कि LLP क्या है और पार्टनरशिप फॉर्म क्या है। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं LLP क्या है। LLP एक ऐसी ऑल्टरनेट कॉरपोरेट बिजनेस है, जिसमें हमको लिमिटेड लाइबिलिटी और पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स। LLP के अंदर हमको लिमिटेड लाइबिलिटी के फीचर्स मिल जाते हैं और पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, इसलिए ऐसा है। इसके लिमिटेड फुल फॉर्म यही है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसके अंदर बेसिक फीचर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब इसके पार्टनर्स जो हैं वो अलग हैं और कंपनी है वो अलग है, दोनों में डिफरेंस है। जो भी लीगल एक्ट्स होंगे वो कंपनी पे होंगे, ना कि पार्टनर्स पे। इसी से इसकी परपेचुटी भी बढ़ जाती है, परपेचुअल सक्सेशन जिसे कहते हैं। इसमें यह है कि अगर इसके पार्टनर्स को कुछ होगा, जैसे डेथ हो गया या इनसैनिटी हो गई, तो उससे कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी चल सकती है, कंपनी चलती रहेगी। और इसके बेनिफिट फीचर्स ये हो सकते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम, जैसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पार्टनर्स अनलिमिटेड है और मिनिमम 2। मिनिमम 2 इंडिविजुअल पार्टनर्स होने चाहिए और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। दोनों सेम भी हो सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दोनों इंडिविजुअली होना चाहिए और डेजिग्नेटेड भी होना चाहिए, और डेजिग्नेटेड में से एक इंडियन होना चाहिए कंपल्सरीली। LLP जो है वो LLP एग्रीमेंट के थ्रू गवर्न्ड होती है। इसी के अंदर इसकी राइट्स, ड्यूटीज, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सब LLP एग्रीमेंट के अंदर दिखाया जाता है, और ये कंपलसरी है बनाना। इसको बनाए बिना आप LLP शुरू नहीं कर सकते। ये कुछ बेसिक फीचर्स हो गए LLP के। अब हम पार्टनरशिप के कुछ बेसिक फीचर्स जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा फर्म है जिसके अंदर म्यूचुअल कंसेंट से जितने भी पार्टनर्स हैं, म्यूचुअल कंसेंट से एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, जहाँ पे वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और उनकी राइट्स और ड्यूटीज़ लिखी होती हैं। पार्टनरशिप फर्म के फीचर्स हो गए, जैसे कि पार्टनरशिप फर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें भी एग्रीमेंट बनता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है बनाना, आप बिना एग्रीमेंट बनाए भी इसका काम कर सकते हैं। उसमें जहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में लिखा रहता है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में लिखा रहता है। दूसरा, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स 20 हो सकते हैं और मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स 2। तीसरा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसका मतलब यह है कि पार्टनर्स में अगर कंपनी पे कोई केस हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जो लाइबिलिटी है कंपनी की, वो सिर्फ कंपनी तक नहीं रहती, पार्टनर्स पे भी जा सकती है, पार्टनर्स को अपने घर से भी पैसा देना पड़ सकता है इसमें। और यही फ़र्क था, सबसे मेजर फ़र्क जो LLP और पार्टनरशिप में है, यही लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला, इसलिए ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं LLP। चौथा, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म जो है वो सेम है पार्टनर्स के तरह से, जो पार्टनर्स है वही इसके फेस है और इसमें कंपनी फेस होती है, तो इसलिए अगर कोई केस वगैरह हो रहा है तो वो पार्टनर्स पे हो रहा है, ना कि पार्टनरशिप फर्म पे हो रहा है, वही चीज़ है। और इसी से इसका परपेचुअल सक्सेशन भी रुक जाता है, कि अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को इंसैनिटी हुई या डेथ हुआ, तो उसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म रुक जाती है। छठा, म्यूचुअल कंसेंट। मतलब एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक म्यूचुअल कंसेंट पे चलती है पार्टनर्स के।
अगर म्यूचुअल कंसेंट खत्म तो समझो पार्टनरशिप खत्म। ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे पार्टनरशिप के और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे पार्टनरशिप के और LLP के। अगर आपको डिटेल में जानना है कि LLP या पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्म कैसे होती है तो हमारे लिए इसके लिए अलग इंडिविजुअली वीडियो पड़ी हुई है टैक्सराज के चैनल पे। वहाँ पे अगर आपको डिटेल में जानना है कि ये कंपनी कैसे बनाई जाती है पार्टनरशिप फॉर्म और LLP तो इसके लिए हमारे पास टैक्सराज के यूट्यूब चैनल पे ऑफिशियल टैक्सराज के यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाई हुई है, वह जाकर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कन्वर्जन कैसे करा जाए इसका। तो फिलहाल एज़ पर रूल्स अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं है जिससे हम कन्वर्ट कर सके कंपनी को LLP को इनटू पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि LLP जो है वो मॉडिफाई करी गई है पार्टनरशिप फर्म से 2009 के अंदर ही। जितने भी फर्म में पार्टनरशिप फर्म में जितने भी हिंड्रेंसेस थे डिसएडवांटेजेस थे उसी को ठीक करके लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को बनाया गया है, तो इसलिए इसके अंदर कन्वर्जन का कोई ऑप्शन रखा नहीं गया लॉ मेकर्स द्वारा। तो अभी एज ऑफ डेट हम कन्वर्ट नहीं कर सकते किसी भी LLP को इनटू पार्टनरशिप फर्म। और रही बात, अब ये चूज़ करना होगा कि LLP बनाए कि पार्टनरशिप फर्म बनाए, क्योंकि हम कन्वर्ट तो कर नहीं सकते। तो अगर LLP वो लोग चूज़ करते हैं जिनको कन्वेंशन स्टाइल से काम करना पसंद है, मतलब इसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है, तो जस्ट लाइक अ कंपनी काम कर सकते हैं हम इसके अंदर, और पार्टनरशिप के बेनिफिट्स भी हैं। और फर्म वो लोग चूज़ करते हैं जो लोग ज़्यादा एनुअल कंप्लायंसेस को ना पसंद करते हों, सिंप्लीफाइड एनुअल कंप्लायंसेस चाहते हैं, क्योंकि LLP के अंदर एनुअल कंप्लायंसेस बहुत ज़्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म वो लोग नहीं लेते एनुअल कंप्लायंस के चक्कर में, और एनुअल कंप्लायंस के चक्कर में अभी जैसे कोई रूल नहीं है कन्वर्जन का, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है LLP से फर्म कन्वर्ट करने के लिए, कि हम अपनी LLP को क्लोज करें, उसके बाद फिर एक फर्म खोलें सेम LLP के नाम से, जैसे हमारा नाम XYZ है तो सेम, क्योंकि एक्सक्लूसिविटी है नहीं नेम की फर्म के अंदर, हम कोई भी नाम चूज़ कर सकते हैं। तो XYZ करके हम एक और फॉर्म खोलेंगे, उसमें जितना भी इसका डेटा होगा जैसे एसेट्स होंगी लाइबिलिटीज़ होंगी ये सारा हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, और पार्टनर्स वगैरह को यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा। हालांकि एक स्मूथ प्रोसेस होगा नहीं, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, लेकिन ऑप्शन यही है। अगर आपको अपने LLP से फॉर्म में जाना है तो यही कर सकते हैं, आपको LLP क्लोज करनी पड़ेगी और फॉर्म नहीं बनानी पड़ेगी, और सेम सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा फॉर्म के अंदर। और ये आपके लिए अगर स्मूथ प्रोसेस नहीं है तो फिर आप हमारे पास आ सकते हैं, हम आपके लिए स्मूथ प्रोसेस बना देंगे। वी आर हेयर फॉर यू फॉर मेकिंग कन्वर्जन। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।